वेलकम टू गदवी, मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। अभी का पूछा जाने वाला ये सबसे ज्यादा मतलब की क्वेश्चन है जो कि सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट जो है हमसे लाइव क्लास में पूछ रहे हैं, ईमेल्स करके पूछ रहे हैं, या फिर एक कह सकते हो आपकी जो जनरल गाइडेंस होती है उसका कहते ना मैक्सिमम जो पार्ट है वो यही वाला क्वेश्चन लेकर रखा है। तो बात करते हैं कि इसके साथ डील कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे कि हमारी तरफ से ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि ये जो इशू है इसे हम मिनिमाइज कर सकें और इसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। चलिए बात करते हैं कि हाउ टू डील विद द एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। पहले बात करते हैं कि पहले का जो टाइम था, मतलब कि लगभग आप कह लीजिए कोविड से पहले का टाइम लगभग, या कोविड के बाद जो अटेम्प्ट हुआ है वो मतलब कि 2020 के बाद की बात कर रहे हैं। तो बिफोर की बात करें तो बिफोर 2020 की बात कर रहे हैं, ओके। और इसके बाद हम आफ्टर 2020, स्पेशली ये चीज तब से ज्यादा देखी जाने लगी है जब से ये एग्जाम दो शिफ्ट में होने लगा है। उससे पहले ये एग्जाम जो है एक दैट इज वन शिफ्ट में ही होता था, एक ही शिफ्ट में होता था सिर्फ। सबसे फर्स्ट टाइम ये लाइक शिफ्ट में तभी देखा गया था जब लगभग 2020 के बाद का जो भी पेपर होना शुरू हुआ, जिसमें कि दो शिफ्ट कर दिए गए और दोनों शिफ्ट का जो पेपर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट आता है। अब जब 2020 से पहले पेपर होते थे तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है वो आते नहीं थे, बिल्कुल उस टाइम भी आते थे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, जिसे हम बोलते थे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन इनका जो परसेंटेज था वो क्या था, वो लो था, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में ये पूछे नहीं जाते थे। क्योंकि देखा जाए तो टोटल आपके जो 145 क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग योर पार्ट ए, सॉरी इंक्लूडिंग योर पार्ट बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे जो भी 145 आपके क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उसको मतलब कि सिर्फ मैं लाइफ साइंस का पोर्शन ले रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ फिलहाल में। तो अगर हम 145 क्वेश्चन की बात करें तो क्योंकि सिर्फ पहले एक मतलब 145 क्वेश्चन ही बनते थे, जिसकी वजह से सारा एरिया कवर करना मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता था कि हाँ भाई जितने पहले एटलीस्ट जब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे तो क्वेश्चन बना लिए जाए। जिस वजह से क्या होता था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो थ्योरी पार्ट था, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो उनका परसेंटेज हाई था, और जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन थे ऐसे ऐसा नहीं है कि पहले आते नहीं थे। आप पहले का भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे लेवल के आए हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज था वो लो होता था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम बनाने होते थे। अब आप खुद सोचिए, दो शिफ्ट में पेपर होने का मतलब है 145 क्वेश्चन यहां बनाना और 145 क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट के लिए बनाना, यानी कि मोर और लेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग जो है उनको 390 क्वेश्चंस को बनाना पड़ रहा है, राइट, सॉरी 290 क्वेश्चंस को बनाना पड़ रहा है। अब जब 290 क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ 145 क्वेश्चन, तो आप खुद सोचिए कि जो मतलब कि ऐसा एरिया जो कि अभी तक अनटचेबल एरिया में था, मतलब ऐसे टॉपिक जिसको कभी टच नहीं किया गया था, कभी पूछा नहीं गया था, ऐसे एरिया से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। क्योंकि जितना भी हो ये जो 290 क्वेश्चंस हैं इनमें डाइवर्सिटी भी तो चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि वो रिपीटेशन कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। तो 290 क्वेश्चन अगर चाहिए तो ऑब्वियसली इसमें डाइवर्सिटी चाहिए। अब ये डाइवर्सिटी कहां से आएगी? अब ये डाइवर्सिटी आएगी कुछ नए टॉपिक से, राइट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल जो टॉपिक है उनसे आएगी, और कुछ जो हॉट एरिया है उनसे आएगी। एंड दैट इज वाई हमारे पास अभी जो अटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है उनमें
उन क्वेश्चंस में जो है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया गया है। और दूसरा रीजन यहाँ पे ये भी है क्योंकि आप मतलब कि इस एग्जाम को क्लियर करके आप क्या करते हो, मैक्सिमम टाइम जो है स्टूडेंट पीएचडी के लिए ऑप्ट करता है। पीएचडी का मतलब ही हो गया रिसर्च, रिसर्च मतलब कि ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है जो कंडक्टिंग कमेटी होती है वो हर एक तरीके से इस बारे में सोचती है और उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि मतलब इस एग्जाम को क्लियर करके जो बच्चे आगे जाएंगे वो रिसर्च एरिया में ही जाएंगे, तो उनके पास उनको पहले से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि अब आपसे जब क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल पूछे जा रहे हैं तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल पोर्शन पे ध्यान देना होगा, जो कि पहले हम नहीं देते थे उतना ज्यादा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता था, एक्सपेरिमेंटल पार्ट कम आता था। लेकिन अभी भी अगर देखें तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंटल पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है और थ्योरेटिकल पार्ट कम हो गया है। अभी भी डोमिनेशन के मामले में थ्योरी पार्ट ही डोमिनेट कर रहा है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। लेकिन क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात बोल रही हूं और मैंने 9 अच्छी बात बोली और 1 खराब बात बोली, तो वो 9 अच्छी बात को लोग भूल जाएंगे, 1 खराब बात को याद रखेंगे। सेम वही होता है कि जो चीजें हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट करती हैं हमको वही डोमिनेटिंग लगने लगती है। जैसे कि मेरा 9 बार अच्छा बोलना मे बी अवॉइड कर दिया जाएगा सिर्फ 1 बार नेगेटिव बोलने के कारण। तो सेम यही होता है क्योंकि जब पेपर हमारे सामने आता है, जब बच्चे कहते हैं मैम पूरा एक्सपेरिमेंट से भरा हुआ पेपर था, लेकिन जब पेपर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि रेशियो वैसे ही होके रखा है। पहले जहां पे ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है दैट इज 90% आता था, ये 10% आता था, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया गया है, ये अब थ्योरी पोर्शन जो है थ्योरी पोर्शन को 80% कर दिया गया है और जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है उनमें से 10% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20% कर दिया गया है। लेकिन अभी भी डोमिनेटिंग पोर्शन थ्योरी का ही है। कभी मौका मिले तो शांत दिमाग से बैठ के किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा आफ्टर 2020 वाला, तो आपको अभी भी पता चलेगा कि जो 20% पोर्शन है वो आज भी थ्योरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल एंड मेमोराइजिंग फैक्ट इन पे ही आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सीधे नहीं आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब क्या है ना कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो बच्चों को लग रहा है कि वो भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ही। पहले थ्योरी में क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे तो लगता था सब कुछ सिलेबस से ही आ रहा है। अभी थ्योरी में जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी से ही आ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो बच्चे उसको भी जो है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एक्सपीरियंस है उसे वो उतना स्मूथ नहीं रखता है, तो उनको थ्योरी पार्ट में भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है क्योंकि वहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम है। लाइक 80% में भी जो है 80% में भी अगर देखते हैं तो 80% का 50% पोर्शन यानी कि 40% जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट आएगा, मतलब कि डायरेक्ट नॉर्मली देखा जाता है, और रेस्ट जो 50% हो गया यानी कि 80 का 50% जो हो गया वो हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। अब डायरेक्ट वाला तो समहाउ बच्चा जो है आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन इनडायरेक्ट वाले में क्योंकि उसका एक्सपीरियंस खराब जा रहा है तो वो मतलब कि ना चाह के भी वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन के साथ ही उसको इन्वॉल्व कर लेता है और ओवरऑल कंक्लूड कर देता है कि हाँ पेपर का लेवल टफ आ गया, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थी मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि लास्ट टाइम जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया था उसके बेसिस पे मैंने पेपर देखा, तो मुझे लगा एक्चुअल में शायद बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, रेशियो वही मेंटेन है, दैट इज 80-20 का। तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग की बात। अब बात करें कि इसको डील कैसे करें। तो डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात कि जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो रेदर देन मगिंग अप। ठीक है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, रटने के बजाय आप टॉपिक को समझिए। दूसरा, ऐसी यूनिट जो कि एक्सपेरिमेंट से लिंक हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल जिनके साथ लिंकिंग पॉसिबल है, कौन सी यूनिट होती है वो, जैसे कि हो गया आपका बायोकेम, ठीक है, बायोकेम हो गया, मॉल बायो हो गया, सेल बायो, सेल सिग्नलिंग, इसके अलावा डेप बायो, प्लांट,
जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इकोलॉजी इवोल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद रह गए आपके यूनिट 12 एंड 13, यानी कि ये एरिया ऐसा है जहां पे एक्सपेरिमेंट से लिंक करके सवाल आ सकते हैं. तो इन सारे यूनिट का आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना जरूरी है. अगर इन टॉपिक में से कहीं भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते हैं तो आप उस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बार गूगल जरूर कीजिए. आपको वो सारा एक्सपेरिमेंट पता हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो टेक्निक क्या है, कहाँ काम आती है और क्या क्या काम में आ सकती है, इसके बारे में आपके पास एक जनरल नॉलेज आ जाएगी. और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास जो यूनिट 12 एंड 13 है उसको गलती से भी लीव ना करें. इसको 100% बेसिस पे जो है प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ये यूनिट अच्छे होंगे ना तो इन यूनिट के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को तो लिंक करके दे दिया जाता है बाकी यूनिट से. तो अगर आप इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी यूनिट के साथ जब ये लिंक होके आएगा तो उसको आप डील कर पाओगे. तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा होगा कि अगर आप यूनिट 12 और 13 को बहुत अच्छे से पढ़ें. इसके लिए आप अलग अलग बुक का सहारा ले सकते हैं. अलग अलग स्टैंडर्ड बुक में जो है इन यूनिट्स के बारे में मेंशन है. अदरवाइज पाथफाइंडर की जो बुक आती है मेनली बायोफिजिक्स की, वो आप ले सकते हैं. उसमें टेक्निक्स को बहुत अच्छे से जो है अलग अलग करके दिया गया है. स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कहीं पे क्लासेस कर रहे हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में वो ऑलरेडी पेड क्लासेस लेके रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनका इंस्टीट्यूट उनको ये चीज पढ़ा ही देगा. तो उनको मतलब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड प्रिपरेशन. लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि मैंने जस्ट मेंशन किया, तो वो आप एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. दूसरा, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं. यूट्यूब पे जो एनिमेटेड वीडियो होती है यानी किसी भी टेक्निक का एनिमेशन जो होता है, आप उसका सहारा लीजिए. आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि हाँ वो एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, किसी भी टेक्निक से रिलेटेड वो टेक्निक है क्या, ठीक है, कहाँ यूज होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है यानी कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये आपको पता होने चाहिए. अगर ये पता है आपको तो इसको अगर किसी और टॉपिक के साथ जोड़ के दिया जाएगा तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा. और आप ये कर सकते हैं कि जो A3 शीट आती है बड़ी वाली शीट, उसमें से 2-3 शीट को जोड़ लीजिए और कॉलम वाइज बना के जो है आप एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. और उसी एक चार्ट से आप मतलब कि इन सभी यूनिट को रिवीजन करने लायक प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि ये टेक्निक है, इसका ये प्रिंसिपल है, ये काम में आती है और ये ऐसा कुछ काम करती है, इस तरीके से करके आप कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं. वो आपकी रिविजन टाइम में बहुत आपकी मदद करेगी. इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक है. स्टैंडर्ड बुक में मेरी जो विल्सन एंड वॉकर की बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें भी टेक्निक्स दी गई हैं. इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें तो जो रिसर्च पेपर होते हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं. NCBI की वेबसाइट है, ठीक है, साइंस डायरेक्ट है, इन सारी वेबसाइट से किसी भी टेक्निक का आप नॉलेज ले सकते हैं. लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, इन सब में एक चीज कॉमन है कि अगर आप ऐसे टॉपिक जिसको समझने की जरूरत है, अगर आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है अगर उससे जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो देर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक जो कि रट्टाफिकेशन के लिए ही बने हैं, तो उसपे आप रट्टाफिकेशन कीजिए, यानी कि उसको आप रटिए, उसको आप मगअप कीजिए. लेकिन काफी ऐसे टॉपिक हैं जो रट्टाफिकेशन के लिए नहीं बने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. और ऐसे टॉपिक को आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है, हर हाल में समझना है, क्योंकि समझी हुई चीज में अगर कुछ बदलाव करके क्वेश्चन आता है तो आप उसको डील कर सकते हो. लेकिन रटी हुई चीज में अगर कुछ बदल दिया जाता है तो आप वहां पे स्टक हो जाते हो, क्योंकि आपने उससे आगे कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि आपने समझने के बजाय रटने का सहारा लिया है. तो ये कुछ बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि आप क्या कर सकते हैं और किन यूनिट का ध्यान रख सकते हैं. और यूनिट 12 और 13 को गलती से भी मत छोड़िए. अलग से जो है आपको यूनिट में कोई टेक्निक अगर जुड़ा हुआ रहता है तो ऑब्वियसली आपके टीचर्स वो आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जो जुड़ा हुआ नहीं है पोर्शन, वो पोर्शन आप यूनिट 12 एंड 13 से पढ़ेंगे.
क्योंकि वहां पे आप मैक्सिमम टेक्निक पढ़ लेंगे, और उनमें से अगर कोई टेक्निक आपको थ्योरी के साथ जोड़ के दी गई और आपने वो ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप एक तरीके से लिंक करके जो है कंसेप्ट का सही मतलब निकाल पाएंगे, क्वेश्चन का सही मतलब निकाल पाएंगे, और उसको एक तरीके से प्रॉपरली आप डील कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो सजेशन मैंने आपको दिया है ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप हमारे साथ वेबमी पे अपने सीएसआई नेट या गेट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास 6 मंथ का कोर्स है, 12 मंथ का रिकॉर्डेड कोर्स भी है, और सीएसआर गेट एंड डीबीटी का कोर्स भी है, एंड गेट ओनली भी कोर्स है। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी कोर्स जो आपको यूजफुल लगती हो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक टाइप का जो फैसिलिटी है आपको, जो आपके सीएसआर एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। आपके पास कोई डाउट आता है तो आप गिवन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट करके, दैट इज webmi.com पे विजिट करके जो है अपनी क्वेरी रिजोल्व करवा सकते हैं। वहीं पे आपको हमारे सारे कोर्सेज का डिटेल मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ ये सजेशन आपके लिए यूजफुल रहेंगे।